हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस, आप लोग एनसीसी जीसीआई, जिसको हम लोग गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इससे रिगार्डिंग आप लोग कमेंट्स कर रहे थे और आप लोगों को ये जानना था कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। तो फाइनली जो अपडेट्स आए हैं एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जीसीआई के लिए, उसके बारे में हम लोग आज इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि इसका एडमिट कार्ड अब कब आएगा, और ये तो एग्जैक्ट बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम कब है। तो यदि आप लोग एक स्टूडेंट है और आप लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले कि एनसीसी वे चैनल को ज्वाइन करना। आप लोगों को एनसीसी कैसे ज्वाइन होना है, एनसीसी में ज्वाइन होने के बाद बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, किस किस फील्ड में हम लोग एनसीसी का बेनिफिट्स ले सकते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल एनसीसी वे में देखने को मिलता है। और आप लोगों को मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि एनसीसी जीसीआई का कब कब रिक्रूटमेंट आता है, तो एक साल में एक ही बार रिक्रूटमेंट आता है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट में कोई भी ग्रेड हो, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एएसडब्ल्यू कैडेट्स होते हैं, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए जीसीआई के पोस्ट निकाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक साल में दो बार आता है, इस बात का ध्यान रखोगे। उसमें भी सिर्फ आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके बाद आप लोग सीधा एसएसबी इंटरव्यू दिलाते हो और सेकंड मतलब डबल स्टार के साथ लेफ्टिनेंट रैंक में आप लोग एंट्री पा सकते हो बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के। तो इन सब का डिटेल आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है एनसीसी वे चैनल में। तो चलिए अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम डेट कब है एनसीसी जीसीआई का। तो गाइस, इसके लिए मैं जो एसएससी का एक नया शेड्यूल आया है एग्ज़ाम्स रिगार्डिंग, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा, जिसमें लिखा है यहाँ पे ड्यू टू जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 जून। ये किसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो इलेक्शन होने वाला है, जो चुनाव होना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उसको चेंज किया गया है। एंड कंटिन्यू ऑन 4 जून द कमीशन हैज़ रीशेड्यूल फॉर फॉलोइंग एग्ज़ाम एज अंडर। कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट कराने वाली थी, जिसको पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है जेई का, इसका जो डेट था वो 4, 5 और 6 जून को होने वाला था, उसको 5, 6, 7 जून को किया गया है, मतलब एक दिन का डिले किया गया है यहाँ पर। और उसी प्रकार से हम लोग अपना देखते हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12, इसी के अंतर्गत आया था आप लोगों का जीसीआई, ये ध्यान रखोगे, जीसीआई का पोस्ट आया था इसी के अंतर्गत। और इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कब होने वाला था, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा था 6, 7 और 8 मई लिखा था, जिसको पोस्टपोन करके, ये ध्यान रखोगे, ये डेट जो है आपके लिए बढ़ चुका है। कब कब होने वाला है ये, 24, 25 और 26 जून को होने वाला है, मई उसके बाद जून, मतलब आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय यहाँ पर और अच्छे से मिल जाता है, आप लोग अपना प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस सभी चीज़ों पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखोगे। इसके बाद यहाँ से ये डाउट क्लियर हो जाता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाना है। ये 100% रियल नोटिफिकेशन है, आप लोग भी एसएससी के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो यहाँ कब होना है आपका एग्ज़ाम, 3 दिन कंडक्ट होगा, 24, 25 और 26 जून को। ठीक है, ये डेट ध्यान रखते हुए अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे। और अब कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो लगभग 15 से 20 दिन पहले इसका स्टेटस दिखना चालू हो जाता था एसएससी के जो पुराने वेबसाइट्स है उस, तो आप लोग ये मान के चलोगे कि ये जो है इसमें आप लोगों को 1 जून से ही या फिर जून के 1 वीक से ही ये देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में है, कौन से शिफ्ट में है और किस लोकेशन में, किस सिटी में है, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। जैसे ये सभी आते हैं तो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इंट्रोड्यूस करा दूँगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आपके जो दो सवाल थे एनसीसी जीसीआई से रिलेटेड कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका भी आंसर मिल गया है आप लोगों को, और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका भी आंसर आप लोगों को मिल चुका है। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, एनसीसी वे चैनल में जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं उनको गाइड किया जाता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।